कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट किया जाएगा। आज एक बहुत अहम इजलास था और बहुत दिन से ये बात चल रही थी कि इसके बाद पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन ये मीटिंग शुरू होते ही मुलतवी हो गई। ये है कि जो आज अहम मीटिंग, एक चैलेंजिंग एक क्रूशियल मीटिंग है आईसीसी की बोर्ड मेंबर्स के दरमियान, वो अब पोस्टपोन हो गई है और कल अब ये मीटिंग कल होगी दोबारा। फिर मुख्तसर मीटिंग में क्या हुआ है इसके बारे में कुछ पता चला आपको? अब तक की अफवाहें जी मैं खुद से नहीं बोल सकता, पाकिस्तान को बोला गया टेक इट और लीव इट। आईसीसी में जब बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान वहां पे आइसोलेट है। हकाय ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में ही नहीं है, ना फाइनेंशियली और ना ही डिप्लोमेटिकली। आईसीसी के लिए भारत इंपॉर्टेंट है, भारत एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है और एक बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट के हवाले से, टीम उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान भी आईसीसी के लिए उतना ही अहम है जितना कोई दूसरा बोर्ड हो सकता है। फिर एक दफा ना करके देखे ना, दो चार साल ना क्रिकेट खेले, सबर कर रहे हैं, फिर बायलैटरल सीरीज खेल नहीं, उससे हमारा ही नुकसान जो है वो ज्यादा होगा। फिर आप अपना नुकसान भी बचा रहे हैं और फिर आप मसलहत के साथ भी नहीं चलना चाहते, सो फिर वही वाली बात। लेकिन ये जो मलतवी होना है वो भी मेरे नजदीक कोई अच्छा शगुन नहीं है, तो बाकी रह गया कि ये होना क्या है। मैं कई दफा कह चुका हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ, होना वही है जो भारत चाहेगा, जिस तरह का फार्मूला वो कबूल करेगा, आईसीसी भी उसी फार्मूले को आगे बढ़ाएगी। ये तो यार राशिद कब से हम सुनते हैं, कब से ये बात, मेरे ख्याल से मैं छोटा सा था उस वक्त से सुन रहा हूँ और अब भी यही बातें हो रही हैं, मतलब मगर वही है कि वो टेढ़ी की टेढ़ी वो सीधी हो नहीं रही है उनकी दुम, जो हमारे पड़ोसी है उनकी, तो हम क्या कह सकते हैं। तो पाकिस्तान को पैसों की अशद जरूरत है। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ने अभी जो अगर मैं गलत नहीं 14 अरब रुपए के करीब जो स्टेडियम में लगानी है, उसके बाद शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो पैसे नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आगे बढ़ना है तो उनको पैसे चाहिए, 14 अरब रुपए आप लगा चुके हैं, पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफादात को बढ़ा रहा है, अदरवाइज तमाम चीजें पहले से तय है। आप कह रहे हैं कि पहले से ही तय हो चुका है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा, कुछ ना कुछ तो हमारा भी अभी सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम बैठ के जाके प्रेजेंटेशन पर हमारी बड़ी स्क्रीन पर चीजों को दिखाया जाए, सो हमें मसलहत के साथ चलना है। हमारे हालात वैसे नहीं है कि हम किसी को आंखें दिखा कर बात नहीं करें। नहीं, हमारे हालात ठीक हैं, सिक्योरिटी भी हमारी ठीक है। मैं वो कह रहा हूँ कि इक्का दुक्का वाकया पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन मसलहत के साथ चलना है ना, ठीक है हम इस इवेंट को तो निकालें, भारत के साथ यहाँ खेल के क्या करना है हमने। देखिए इमरान, बात अभी के इवेंट की नहीं है, बात यह है कि इसके बाद भी तो फैसले कर लेना नहीं खेलना भारत के साथ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट प्लेयर चैनल पर। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आज आईसीसी मीटिंग हुई जो सिर्फ 15 मिनट के अंदर खत्म हो गई। इसी मीटिंग में बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बीसीसीआई की इस सख्त पोजीशन, तीखी बातें सुनने को मिल रही है। पाकिस्तान मीडिया इस बात को लेकर रो रहा है कि अगर हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट किया गया तो उनकी होस्टिंग खतरे में पड़ सकती है। वो लगातार आईसीसी और बाकी देशों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई के स्ट्रॉन्ग स्टैंड की वजह से उनका केस वीक पड़ता दिख रहा है। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी टेंशन का कारण बन चुका है और इसी वजह से उनकी मीडिया में फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों लगता है कि बीसीसीआई के इस डिसीजन के बाद चैंपियन ट्रॉफी को पूरा दांव पाकिस्तान के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो को। खत्म होते ही पता चल गया कि मीटिंग बर्खास्त कर दी गई और कल ये डिसीजन लिया जाएगा। कल डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये नहीं चाहते कि जेशा की मौजूदगी में कोई ऐसा डिसीजन हो जो कि इंडिया पाकिस्तान का तासुर वो तो है ज्यादा आ जाए। तो मेरे ख्याल से कल का है 24 घंटे का टाइम है और उसमें ये डिसाइड कर लेंगे चलता रहेगा, बट क्या आप थोड़ा सा बिल्डअप तो करें। देखिए फातिमा, जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर 4 महीने पहले ये सूरत हाल बनती तो ज़्यादा मुनासिब होता, लेकिन शेर को जगाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तैयार नहीं था, ना वो पाकिस्तान को छेड़ने के लिए तैयार था, ना वो भारत से बात करने के लिए तैयार था, और वो सोच रहे थे कि जैसे माजी में होता रहा है, 2011 में हुआ, 2016 में हुआ, 2023 में हुआ, तो इस बार भी कुछ हो जाएगा, लेकिन कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान उसूली मौक़िफ अपना पेश कर देगा। वोटिंग तक बात जाएगी नहीं, वोटिंग तक जाने का मतलब यह है कि फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, फिर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। तो वोटिंग से पहले जो मामला हैं वो लगता है कि आज तय हो गए हैं, और इसीलिए जो 12 टेस्ट मुल्क हैं, 3 एसोसिएट मुल्क हैं और फिर आईसीसी के चीफ हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ट्रिक को वी वुड वांट टू नो कि क्यों मीटिंग पोस्टपोन हो, देयर आर सो मेनी इश्यूज, कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक वी वुड वांट टू फाइंड आउट कि क्यों ये पोस्टपोन हुई कल। बट क्या ये हो सकता है कि उन्होंने जो पाकिस्तान ने अपनी जो मांगा था ना उनसे कि आप अपने आइडिया दें, आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना, तो आईसीसी क्या चाहती है, क्योंकि आईसीसी ने वो दे दिए और पीसीबी ने बोला होगा कि हम टाइम दो, हमें, हम जरा बात करके आपको बताते हैं, तो हो सकता है दे माइट बी
पॉसिबिलिटी कि ये चीज हुई हो करेंगे। बट राशिद भाई फर्स्ट कि अगर हम लोग कन्विंस करेगा आईसीसी तो वो क्या प्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को कि भाई लीग मैचेस जो है वो आप दूसरे एक मुल्क में करवा दें और फिर देखें वेट करें कि अगर इंडिया सपोजिंगली फाइनल में नहीं आता तो सेमीफाइनल फाइनल तो आप ही के मुल्क में होगा समथिंग लाइक दैट। ऐसा क्या सिनेरियोस वो पेश कर सकता है? देखिए जो हाइब्रिड मॉडल है ना ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, ये फिर ये फ्यूचर के लिए होगा। जितने भी इवेंट्स भारत में खेले जाएंगे और वो तमाम के तमाम पाकिस्तान जिसमें पार्टिसिपेट करेगा वो फिर वो भी बाहर ही होंगे। ये बड़ा मुश्किल मरहला होगा आईसीसी के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी। यहाँ पर मसला ये है कि अगर भारत पाकिस्तान से नहीं खेलता तो पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान के अंदर है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब या तो आप टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल करें या फिर भारत के साथ आप इस टूर्नामेंट को माइनस कर दें, जो पॉसिबल है नहीं। तो ये सिचुएशन जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल है और जिस तरह की अभी डेवलपमेंट हुई है और जो सूरत हाल है मैं आपको दोबारा से ये बता दूं कि ये जो मशावरत हुई है पहले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो असूली मौकफ है वो अपनी जगह कायम है क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतना हार्ड आएगा। अगली मीटिंग जो 24 से 48 घंटे में होगी वो भी वर्चुअल होगी, लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, लिहाजा डेडलॉक जहां था वहीं डेडलॉक बरकरार है। अच्छा बट एक बार फिर वापस बताइएगा आप जैसे कह रहे हैं कि कल हो सकती है 24 घंटे में, आपके पास जो खबर ये है कि देखिए 24 से 48 घंटे का टाइम दिया गया है पाकिस्तान और इंडिया को और ये इनसे कहा गया है कि अगले 24 से 48 घंटे में इस मामले का कोई दरमियानी रास्ता निकालकर आप हमारे पास आए, उसके बाद फिर अगली वर्चुअल मीटिंग जो है उसके लिए टाइम और तारीख तय की जाएगी। ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि आपस में बैठ के बात करते हो, क्या इंडिया और पाकिस्तान बैठ के बात कर रहे हैं भट्टी साहब? तो मोहसिन नकवी साहब भी दुबई में है और जय शाह जिन्होंने इतवार को आईसीसी के चेयरमैनशिप का चार्ज संभालना है वो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो प्रेसिडेंट है, तो उस मीटिंग के हवाले से वो भी दुबई में है, तो हो सकता है कि उनसे कहा जाए कि आपस में आमने सामने बैठकर इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाले, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी मीडिया से शेयर नहीं की जा रही। ये तो यार राशिद कब से हम सुनते यार, कब से ये बात मेरे ख्याल से मैं छोटा सा था उस वक्त से सुन रहा हूँ और अब भी यही बातें हो रही है, मतलब मगर वही है कि वो टेढ़ी की टेढ़ी वो सीधी हो नहीं रही उनकी दुम जो हमारे पड़ोसी है उनकी, तो हम क्या कह सकते हैं? तब तक की अफवाहें जी मैं खुद से नहीं बोल सकता, पाकिस्तान को बोला गया टेक इट और लीव इट कि नो क्रिकेट विदाउट इंडिया हो सकती है राशिद? नहीं नहीं मुश्किल, हम ये इनसे ये बोलते हैं एक दफा करके देखें, ये कर ही नहीं पा रहे और ब्रॉडकास्टर अगर $3 बिलियन उसने स्पेंड किए हैं तो वो शादी ब्याह में देने के लिए थोड़ी किए हैं, पाकिस्तान इंडिया के ही किए हैं। Absolutely यार, और जैसे आप बात करें कि जो अफवाहें हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान को बोला either take it or leave it and mostly take it with the hybrid model or leave it with dire consequences, तो ये एक पाकिस्तान स्टिकी सिचुएशन में हो सकता है अगर ये कुछ हुआ। अब कहा ये जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या फैसला होता है और वेन्यू की डेट्स कैजुअल जिसको लेके ब्रॉडकास्टर्स बहुत ज्यादा परेशान है कि आज लग रहा था कि कुछ पता चलेगा कि होगा क्या, और ये 10 मिनट की मीटिंग में तो मेरा ख्याल है तारुफ ही हुआ होगा, तो मीटिंग आगे बढ़ गई तो बात आगे जाएगी कैसे, ये एक कॉन्क्रीट फैसले की तरफ कैसे पहुंचेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या है? ये सबका ख्याल था कि मीटिंग होगी और जिस तरह भी फैसला होना है वो फैसला हो जाएगा, लेकिन ये जो मुलतवी होना है वो भी मेरे नजदीक कोई अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि ये जो 24 घंटे या 48 घंटे का जो वक्फा मिलेगा हिंदुस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड और उसके नुमाइंदे हैं वो इस पर पूरी तरगीबात के साथ लोगों से बातचीत करेंगे कि इसका ये फ़ायदा है, इस तरह हो जाए तो हम आपको ये फ़ायदा पहुंचा सकेंगे, टूर दे देंगे। तो मेरा ख्याल ये अब मुझे तफसीलात नहीं मालूम कि किस बिना पर यह मुलतवी की गई है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि यह भी भारत की तरफ से ही होगी पेशकश के हम आपस में मशवरा करते हैं तो फिर आपके पास एक मुतफिका सा फैसला लेके आएंगे, उनको नाराज किसी तरह नहीं किया जाएगा। जहाँ तक हमारा मौकफ है असूली है दुरुस्त है, सब मुल्क जानता है, तमाम लोग कह चुके हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ से बड़ी यानी अजीब सा लगता है और बड़ी कोफ्त होती है कि अगर आपका ये मौकफ असूली है अखलाकी है और ये सब कुछ है तो आप इतना अच्छा खामोश क्यों बैठे हुए? 2008-09 के बाद से यही चल रहा है, गवर्नमेंट की अप्रूवल सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल का लॉलीपॉप हमेशा हमें वहां से मिलता है, उसके बाद भी हम वेट करते हैं। मसला उसमें यही है ना कि जब चैंपियंस ट्रॉफी मिली तो रमीज राजा चेयरमैन थे, उन्होंने सोचा कि मैं ये पॉइंट उठाऊंगा, लेकिन दिसंबर 2022 में उनकी छुट्टी हो गई, फिर नजम सेठी साहब आए, हाइब्रिड मॉडल एशिया कप पे इख्तियार कर लिया, फोर्स किया गया पाकिस्तान को कि हाइब्रिड मॉडल पे जाए, उन्होंने फिर उसके बाद अभी ये बात करने ही वाले थे कि आगे क्या होगा, आगे आया हमें आगे इंडिया हमारे पास आएगा
कहा हम तो हाइब्रिड के, उनको हटा दिया गया, जका अशरफ आ गए। जका अशरफ ने बड़े प्राउडली ये कहा कि ये हाइब्रिड मॉडल तो पीसीबी ने मनवाया, ये हाइब्रिड मॉडल हमारा है। और इसीलिए इंडियन मीडिया और इंडिया के ऑफिशियल्स अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब अप्रिशिएट कर रहे थे हाइब्रिड मॉडल, तो अब क्यों नहीं दोबारा हाइब्रिड मॉडल ले रहे हैं। लेकिन अब ये एक बात तय हो जानी चाहिए कि अगर इस दफा भी हाइब्रिड मॉडल, जैसे खालिद महमूद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि होगा वो भारत चाहेगा, तो हाइब्रिड मॉडल अगर होगा पाकिस्तान भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो आगे के भी इवेंट में पाकिस्तान ये कह दे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया से खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। वाई डबल स्टैंडर्ड, आप हमारे यहाँ तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें बुलाने के लिए तैयार है। आप हमें किसी फॉल्स प्रॉमिस की उम्मीद पे तो नहीं रहना चाहिए, पहले हमसे बहुत झूठे वादे हो चुके हैं। पाकिस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन रिटर्न आप कंफर्मेशन लें कि अगर अगला आईसीसी से ले कि अगला 2026 का है, ऑल्दो के को होस्ट है श्रीलंका, पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में भी रखे जा सकते हैं, लेकिन कोई भी मैच नॉकआउट मैच अगर इंडिया में होगा तो वो फिर न्यूट्रल न्यूट्रल वेन्यू में।